कानपुर देहात के उच्चतर प्राथमिक विद्यालय हवासपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चों के हाथ से कलम, कॉपी और किताब छीनकर झाड़ू पोछा थमा दिया गया है। झाड़ू लगाते इन बच्चों को तो देखिए कैसे अपने टीचर के इशारों पर विद्यालय परिसर को चमकाने में लगे हैं। और टीचर साहिबा को तो देखिए कैसे हाथ में डंडा लेकर बच्चों से कैदियों की तरह काम करा रही है। विद्यालय के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते इस वीडियो की दूसरी क्लिप को देखिए, कैसे बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप ये तो जानते हैं कि यूपी में आए दिन आवारा कुत्ते किसी न किसी को अपना शिकार बनाते रहते हैं, लेकिन इस विद्यालय में आवारा कुत्तों के लिए गेट खुले हैं और क्लास में बच्चों के बीच आवारा कुत्ते आराम फरमा रहे हैं और स्कूल परिसर में भ्रमण कर रहे हैं। टीचर है कि कुत्ते के बगल में ऐसे गुजर गई मानो टीचर को कुत्ता दिखा ही ना हो। वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस विद्यालय में बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है, तो वहीं स्कूल प्रशासन सरकार की आंखों में धुआं झोंक रहा है। वही धुआं जो इस चूल्हे से उठ रहा है, जिस पर बच्चों के लिए मिड डे मील बन रहा है। विद्यालय परिसर में धुआं ना हो इसलिए ही तो सरकार ने विद्यालय में गैस सिलेंडर आवंटित किए थे, लेकिन इस रसोई में कहीं दूर दूर तक भी गैस सिलेंडर नजर नहीं आ रहे हैं। और सफाई पर तो आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि यहां सफाई बच्चों से कराई जाती है और गंदगी कुत्ते करते हैं। तभी तो मिड डे मील बनाती है इस कर्मचारी के पास ये बैठा कुत्ता खाने की गुणवत्ता और सफाई का आकलन कर रहा है। और कानपुर जिले के अधिकारी इस बरसात के मौसम का आनंद ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।